देखिए, फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन है, 40,000 इक्विटी शेयर्स हैं। मैडम, मैं एडवांस अकाउंटिंग की बुक से पढ़ा रही हूँ, बट ये सारे क्वेश्चंस आपके कॉर्पोरेट अकाउंटिंग बुक में भी दिए हुए हैं। ठीक, देखो, फोर्टी थाउजेंड इक्विटी शेयर्स है ऑफ ₹10 ईच। ठीक, अब नेक्स्ट देखो, किस पे आ रहा है एट द प्रीमियम, ₹2 पर शेयर। आगे क्वेश्चन देखो, एप्लीकेशन पे कितना ले रहा है, 2, अलॉटमेंट पे ले रहा है 5, लिखा है इंक्लूडिंग प्रीमियम, फिर फर्स्ट कॉल पे लिखा है ₹2 और सेकंड कॉल यानी उस पे लिखा है 3। यहाँ तक क्वेश्चन समझने में कोई डाउट है किसी को? नो मैम। ठीक है, अब आगे देखो, कहीं पे डाउट हो तो बताना। एप्लीकेशंस रिसीव्ड हो रही है, ठीक है, जो आवेदन प्राप्त हो रहे हैं वो 60,000 शेयर्स के लिए हो रहे हैं। ठीक, अब देखो, अलॉटमेंट किया रहा है, अलॉटमेंट कर रहा है मतलब 48 अंशों के आवेदकों को समानुपातिक आधार पर आवंटन किया गया। किसको? 48 शेयर्स को क्या कर रहा है, अलॉट कर रहा है ऑन प्रोराटा बेसिस। इसका हिंदी में भी लिख रही हूं मैं, अंशों, ये 48,000 ही है, के आवेदकों को समानुपातिक आधार पर। आप लोग क्वेश्चन मत नोट करना, ठीक है, ये मैं आपके साथ शेयर कर लूंगी। क्वेश्चन आवंटन कर दिया गया था, आप सिर्फ समझो क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट देखो, और जो 12,000 अंश हैं उनको रिफंड कर दिया, 10,000 शेयर्स वर, क्या किया इसने, रिफ्यूज्ड, तो इनको क्या किया, लौटा दिया गया। ये क्वेश्चन है अपना। अब देखो, मेन क्वेश्चन में क्या दिया है, ए जिसके पास 1,600 शेयर्स थे कंपनी के, इसने आवंटन की राशि का भुगतान करने में असफल रहा। किसका, क्या पे नहीं किया इसने, फेल्ड टू पे अलॉटमेंट। तो ए 1,600 शेयर्स पे क्या अमाउंट पे नहीं करता है, अलॉटमेंट मतलब आवंटन। सेम बी, इसके पास 2,000 शेयर्स थे, इसने याचनाओं पर भुगतान नहीं किया, फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल। ठीक, याचनाओं पर भुगतान करने में असफल रहा। ये आ रहा है समझ में? इसके बाद अब देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, इन अंशों को बाद में द्वितीय याचना की मांग के बाद हरण कर लिया गया। मतलब शेयर्स को क्या कर रहा है, फोरफीट कर रहा है, किसके बाद, द्वितीय याचना के बाद। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, याद रखना आप लोग, कि शेयर जो फोरफीट कर रहा है, ठीक है, वो कब कर रहा है, अलॉटमेंट के बाद कर रहा है कि फर्स्ट कॉल के बाद कि सेकंड कॉल के बाद। तो लिखा है शेयर्स फोरफीट आफ्टर द सेकंड कॉल। ये क्वेश्चन की समरी थी, इसमें कहीं पर डाउट है किसी को समझने में तो बताओ। बताओ, नो मैम। क्लियर है नो क्वेश्चन? मैम। देखो, इसमें अलॉटमेंट भी दे दिया, फिर अमाउंट को वापस भी कर रहा है, ठीक, प्रीमियम भी है इस क्वेश्चन में, प्लस क्या है इसमें, फोर फीचर भी है। ठीक, तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले वर्किंग नोट से। चलो स्टार्ट करो क्वेश्चन। कौन बनाओगे वर्किंग नोट का? ठीक है, अब साथ साथ सॉल्व करते चलो क्वेश्चन। एक सेकेंड, ना कहीं किसी को डाउट है क्या समझने में थोड़ा बहुत?
अब सबसे पहले वर्किंग नोट बनाओ, देखो एप्लीकेशन रिसीव्ड लिखना, ठीक, ये शेयर्स में रहेगा, और इसके बाद बनाना एप्लीकेशन मनी रिसीव, ठीक है। शेयर्स अलॉटेड, ठीक, फिर लिखो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, फिर लिखना एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, देखो 40,000 शेयर्स था, मिल कितना आ रहा है अपने को, 60,000 शेयर्स के लिए ये मिल रहा है, देखो ये 60,000 शेयर्स लिखा मैंने, ये देखो ये मैं हाईलाइट कर रही हूँ, ठीक है, तो कितने से मिल रहा है अपने को, 60,000, 60,000 में हमको देखो टोटल कितने करने थे, 40, तो एप्लीकेशन टोटल रिसीव्ड हो रहा है अपने को 60, हमने अलॉट कितने किए हैं 40। अब देखो ये तो मैं टोटल वाला लिख रही हूँ, 48 वालों को प्रोराटा बेसिस पे दिया, इट मींस जो 48,000 शेयर्स रिसीव्ड हुए थे उनको समानुपातिक आधार पर कितना दिया, 40,000, ठीक, और जो 12,000 शेयर्स थे इनको हमने निल कुछ भी नहीं दिया, तो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड कितनी हुई थी, देखो 48,000 शेयर्स पे 2 रुपए के हिसाब से बताओ कितने पैसे मिले होंगे, 48,000 शेयर्स पे 2 रुपए के हिसाब से बताओ, नाइन्टी 96,000, ठीक, तो यहाँ पे लिखो 48,000 × 2, शॉर्टकट में आप लोग लिख सकते हो, देखो कॉलम समझो एप्लीकेशन रिसीव्ड इन शेयर्स, ठीक, फिर ये शेयर्स को अलॉट कर रहे हैं, अब एप्लीकेशन मनी कितनी रिसीव्ड हुई ये, तो और इन 12,000 पे कितनी अलॉटेड हुई, देखो ये 12,000 पे कितना अलॉट हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन एप्लीकेशन मनी रिसीव तो हुआ था 2 रुपए के हिसाब से, कितना 24,000, तो 12,000 × 2 ये हो गया 24,000। अब एप्लीकेशन मनी एडजस्ट करेंगे, देखो हमने इनको कितने शेयर्स दिए, 40,000 शेयर्स दिए हमने इनको, तो ये देखो 48 में से 40 दिए, ये 40, ठीक, तो इसका एप्लीकेशन का कितना बनता है, 40,000 का इंटू 2 से करेंगे तो कितना बनेगा, 80,000, और बाकी जो उसका 16,000 बचा ये हमने कहाँ एडजस्ट किया, अलॉटमेंट में, ठीक। अब नेक्स्ट देखो, ये जो 12,000 वाले थे इसका जो 24,000 था, ये पूरा का पूरा जो 24,000 था ये हमने क्या किया, रिफंड किया, और ये 80,000 हम कहाँ डालेंगे, एप्लीकेशन में। यहां तक डाउट है किसी को, नो मैम। अब क्वेश्चन में देखो क्या पूछा है आपसे, अब ये इसमें ए जिसके पास 1,600 शेयर्स थे, याद रखना ए जिसके पास 1,600 शेयर्स थे, इसने कौन सा अमाउंट पे नहीं किया है, अलॉटमेंट का, तो देखो अब एक वर्किंग नोट, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली नोट करना आप लोग, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना आपको एग्जाम में कैसे करना है, एक इसके पास कितने शेयर्स हैं, देखो 1,600 शेयर्स हैं, ठीक। अब देखो जब लोगों ने 48,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था तो कंपनी ने उनको कितने शेयर्स दिए थे, 40,000 शेयर्स दिए थे, तो इसको जो 1,600 शेयर्स मिले ए को,
इसने भी कुछ ज्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा, तभी जाके इसको 1600 मिला होगा। ठीक, तो अब समझो, तो 40,000 जब शेयर्स दिए गए, अब समझो ध्यान से, मैं कुछ करवा रही हूँ एंट्रीज, वर्किंग नोट। 40,000 शेयर्स दिए गए किनको, जिसने 48,000 के लिए क्या किया था, अप्लाई किया था। सेम 1600 शेयर्स दिए गए हैं, तो इसने अप्लाई भी तो किया होगा। तो जो चीज 48,000 को डिवाइड करोगे 40,000 से और मल्टीप्लाई करोगे 1600 शेयर से, चलो करो, तो 48,000 डिवाइड बाय 40,000 करो इनटू 1600 करो, कितना आया? 1920 सबका। सबका ही इतना आ रहा है? Yes. ठीक है, तो इसने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा? सेम वैसे ही जो बी, इसने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था? चलो कैलकुलेट करो, अब आप लोग मेरे को 2000 का कैलकुलेट करके बताओ। ठीक, अब फर्स्ट एंट्री लिखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो कितना रिसीव्ड हुआ है अपने को, 60,000 शेयर्स, कितने का, 2 रुपए के हिसाब से, तो 60,000 इंटू 2 करेंगे तो आएगा अपने पास 120,000। अब एप्लीकेशन की मनी को एडजस्ट करेंगे तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू बैंक अकाउंट। देखो, शेयर एप्लीकेशन का 120,000, हम शेयर्स कितने कर सकते हैं अपन, 40,000 के, तो शेयर कैपिटल में 40,000 इंटू 2 कितना हुआ, 80,000। फिर अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट करेंगे, मैंने बताया था साइड में 16,000 बताया था कि नहीं, और रिफंड कितना करेंगे अपन इसमें, 12,000 शेयर्स का 24,000। ये आया समझ में? ये हो गया आपका 120,000 टोटल। इस एंट्री में डाउट है क्या, तो पहले पूछो, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ूंगी। इस एंट्री में किसी को डाउट है? मैम ये बैंक वाला नहीं समझ में आया। ये देखो, ये रिफंड किया है ना क्वेश्चन, ये देखो मैं हाईलाइट कर रही हूँ, देखो उसको, ये 12,000 शेयर्स को मैंने बोला था ना रिफ्यूज किया, लौटा दिया गया, तो मैंने वर्किंग नोट में दिखाया था ना कि जो 12,000 शेयर्स पे एप्लीकेशन का मनी रिसीव्ड हुआ था 2 रुपए के हिसाब से, कितना था, 24, वो देखो वो रिफंड किया हमने, वापस किया, इसलिए उसको 2 बैंक अकाउंट में शो किया। एक चार्ट बताया था ना यहाँ पे ऐसा 48, yes, ma'am, yes. याद आया आपको? देखो वो चार्ट, yes, ma'am, yes. बहुत इम्पोर्टेंट है ना, उस चार्ट को वो मत किया करो आप लोग।
अब नेक्स्ट देखो, एप्लीकेशन पे कितने मिलने वाले थे? दो. अलॉटमेंट पे कितने? तीन. और दो किसके रहेंगे? प्रीमियम के. फर्स्ट कॉल पे है दो और सेकंड कॉल पे भी है तीन. तो दो और तीन पांच, दो सात और तीन टेन प्लस टू, ये हो गया, ये था. अब देखो ड्यू एंट्री करोगे दे वाली, किसकी? अलॉटमेंट की. तो क्या एंट्री करोगे? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू. क्या करते हैं? इक्विटी शेयर क्या होगी एंट्रीज बताओ. सारी एंट्रीज करवाई है ना मैंने आप लोगों को. बताओ क्या होगा प्रीमियम की एंट्री, ड्यू वाली एंट्री क्या होगी? बताओ. इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट. इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट. देखो कितने का शेयर था ये? पांच रुपए का. तीन रुपए किसमें दे रहा है? अलॉटमेंट पे. तो करो इसको 40,000 इंटू थ्री करो और इसको करोगे 40,000 इंटू टू और ये हो जाएगा 40,000 इंटू फाइव से. तो कितना होगा ये बताओ. एट्टी थाउजेंड इसमें आएगा, 1,20,000 इसमें आएगा और इसमें आएगा आपका 2,00,000. फिर फोर्थ एंट्री देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री बनेगी. ठीक है, यहां तक एंट्री में कोई डाउट है सबको? बताओ. नो मैम. क्लियर है मैम? फोर्थ वाले में शेयर अलॉटमेंट अकाउंट होगा क्या? बेटा मैंने अलॉटमेंट वाला देखो यहां सेकंड में डायरेक्ट कर दिया ट्रांसफर, ये देखो. हां 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 मैम, कर दिया ना इसमें. ठीक है, यस मैम. हां चलो एंट्री बनाओ. अमाउंट बताओ मेरे को कितना आएगा शेयर अलॉटमेंट पे, सब बताओ. कृष्णा, प्रिया, रिया, साक्षी, ये कैलकुलेट किया था ना अभी हमने कि इस 16 शेयर्स वाले ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था? 1920 शेयर्स के लिए. तो अब देखो ये वर्किंग नोट वाला अलग से, देखो एंट्रीज अलग से बनाते चलो, वर्किंग नोट लिखो. अब लिखो कैलकुलेशन ऑफ अलॉटमेंट मनी. देखो ये जिसने 1600 शेयर्स वाले ने अलॉटमेंट मनी पे नहीं की, ठीक है, तो इसने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था? 1920 शेयर्स के लिए. इसको मिले कितने थे? 1600. तो जब इसने पे किया होगा तो 1920 शेयर के हिसाब से इसने 2 रुपए के अकॉर्डिंग इसने कुछ पे किया होगा. 1920 इंटू टू करो, साथ साथ नोट करते चलना जल्दी. यानी इसने 3840 रुपीज पे किया था एप्लीकेशन के लिए. इसको मिले थे 1600 शेयर्स 2 रुपए के हिसाब से कितने? 3200 रुपए. यानी इसके जो 640 रुपए थे वो कहाँ एडजस्ट हुए थे? अलॉटमेंट में एडजस्ट हुए थे. ठीक, अब ये जिसका अपन ए का कैलकुलेट कर रहे हैं अपन, इसने देखो अलॉटमेंट की मनी पे नहीं की है लेकिन इसने इनडायरेक्टली 640 तो पे किए थे. ठीक, अब आप ये वाली एंट्री देखो अलॉटमेंट वाली, इसमें से 1,20,000 आना चाहिए इस कंपनी को, कितने? 2,00,000 रुपए आने चाहिए. तो देखो ये अलग से बॉक्स बना रही हूं मैं, 2,00,000 रुपए आने चाहिए कंपनी को. ठीक, अब इसके पास 1600 शेयर्स हैं. अगर अलॉटमेंट का इसका मैं पैसा कैलकुलेट करूं 5 रुपए अलॉटमेंट के हिसाब से, तो 1600 इंटू 5 करूं तो कितना आएगा? 8,000.
इसको ए को 1600 शेयर्स के लिए अलॉटमेंट में कितना पे करना था? 8000, जो कि इसमें से इसका 640 एडजस्ट हुआ था एप्लीकेशन मनी का, तो 8000 में से 640 गया, तो कितना बचा? 7360। ये अमाउंट इसने अलॉटमेंट के टाइम पे नहीं किया, यानी कि अलॉटमेंट की एंट्री में देखो 2,00,000 रुपए मिलने वाले थे, 2,00,000 में से मैं माइनस करूंगी 16,000 जो एडजस्ट किए थे, ये रहा 16,000, हाईलाइट कर रही हूं मैं, देखो ये वाला, ये अपन एडजस्ट किए थे, तो 2,00,000 में से 16,000 हमको ऑलरेडी मिल चुके थे। अब मैं इसमें माइनस कर रही हूँ कितना, 600, ये 7360, क्योंकि ये नहीं मिला है और किसका, ए का, तो 2,00,000 में से 16,000 गया और 7360। तो अमाउंट कितना रिसीव हो रहा, 176640 अलॉटमेंट में। अब मेरे को पता है आप लोग कंफ्यूज्ड हो चुके हो, तो पूछो कहां कंफ्यूजन हुआ है, जल्दी पूछो, बताओ। फोर्थ वाली एंट्री में कोई डाउट है, जल्दी पूछो, कंफ्यूजन है तो जल्दी क्लियर करवाओ, है ना। ये इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट होगा, और किसी को भी इसी में डाउट है? यस मैम। ठीक है, देखो कोई ऐसा नहीं है जिसको समझ में आया हो, देखो ये फर्स्ट की एंट्री रफ करूं, ये फर्स्ट वाली एंट्री। यस मैम। ठीक है, अब देखो आप लोग, देखो अब आप लोग ध्यान से समझो उस वर्किंग नोट को। मैंने जब बताया था कि जब 48,000 शेयर्स के लिए लोगों ने अप्लाई किए थे तो उनको 40,000 शेयर्स दिए गए थे, वैसे ही जो ये ए है और जो बी है जिनको 1600 शेयर्स दिए गए हैं, तो इन्होंने भी तो कुछ अप्लाई किया होगा। तो हमने कैलकुलेशन किया था, देखो जो पोर्शन निकालना होता है ना उसको राइट साइड में लिखा जाता है, इधर देखो ये कैलकुलेशन का पार्ट है कि 40,000, देखो अच्छा आप लोगों की अभी सेकेंड क्लास है क्या? नो मैम, 1:30 से मैम। ठीक है, तो अपन 5 मिनट एक्स्ट्रा करें। यस यस मैम। ठीक है, देखो देखो जो 40,000 शेयर्स हैं, ठीक है, 40,000 शेयर्स दिए गए किसको? 48,000 वालों को। ये मैं राइट साइड पे लिख रही हूँ, ये लेफ्ट है, ठीक, ये लेफ्ट साइड, ये राइट साइड, समझो। तो ये 40,000 दिए गए, वैसे ये 1600 शेयर्स हैं ए के पास, ये भी तो उसको दिए गए होंगे ना, इसने किसी के लिए अप्लाई किया होगा तभी इसको कितने मिले, इसमें से 1600 मिले। तो जो कैलकुलेशन निकालनी होती है वो हमेशा राइट साइड में लिखा करो, तो इधर वाला के साथ डिवाइड और इसके साथ मल्टीप्लाई। तो मैंने क्या करवाया था, 48,000 को डिवाइड करवाया था 40 से, इंटू करवाया 1600 से, तो आपका आया 1920 शेयर्स। अब देखो इसने अप्लाई किया था 1600 शेयर्स के लिए, इसको मिला कितना, 1920। तो जब इसने एप्लीकेशन मनी पे की होगी तो इसने 1600 की पे नहीं की थी बेटा, इसने कितने की पे की थी, 1920 के लिए पे की थी 2 रुपए के हिसाब से, तो कितना पे किया होगा बताओ, 1920 का 2 के हिसाब से करो, 3,840 रुपए। लेकिन कंपनी ने इसको दिए 1600 शेयर्स 2 रुपए के हिसाब से, तो कितना एडजस्ट किया था हमने एप्लीकेशन में, 3200।
तो इसका जो बचा हुआ पैसा है अब माइनस करो तो आएगा 640। वो कहाँ एडजस्ट किया कंपनी ने? अलॉटमेंट में। यहां तक कोई डाउट है तो पूछो पहले। नो मैम। नो। अभी क्लियर हुआ सबको? यस मैम। ठीक है, देखो फिर से नहीं आ रहे समझ में तो मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगी, बट समझ में आना चाहिए। नहीं आया है किसी को तो पूछ सकता है फिर से। सबको क्लियर है? यस मैम। अब नेक्स्ट देखो, अब अलॉटमेंट में देखो कितने रुपए मिलने वाले थे? 2 लाख रुपए मिलने वाले थे ओवरऑल। ये देखो, ये थर्ड एंट्री पे अब आओ, ये देखो ये 2 लाख रुपए मिलने वाले थे पूरे, ये है ना। तो इसमें से मैंने क्या किया इस एंट्री पे, आप देखो यहाँ पे 2 लाख जो मिलने वाले थे इसमें से ऑलरेडी जो कंपनी ने एडजस्ट किए थे अमाउंट, वो कितना एडजस्ट किया था बताओ? कितना? 16,000। ये 16,000 एडजस्ट किया था कंपनी ने, ठीक है। तो 2 लाख में से जो ये 16,000 एडजस्ट किया था, इसमें से ऑलरेडी इसका ये अमाउंट इंक्लूडेड होगा ना, 640 रुपए, ठीक, क्योंकि इसने सबके एडजस्ट किए थे कंपनी ने, तो इसके भी 640 एडजस्ट थे। तो 2 लाख में से 16,000 माइनस करो, 1,84,000, ठीक, इतना मिलना चाहिए था कंपनी को। लेकिन ये 1600 शेयर्स वाले ने पैसे पे नहीं किए, तो इसके 1600 शेयर्स के हिसाब से 5 रुपए जो अलॉटमेंट का इसको देना था वो बनता है 8,000 रुपए। इस 8,000 में अब इसके ये अमाउंट तो दे दिए थे इसने 640, तो इस 8,000 में से 640 क्या करेंगे? माइनस। तो 8,000 में से 640 माइनस करूंगी तो कितना आएगा? 7,360। तो इतने कंपनी को देखो और नहीं मिले, 7,360 और नहीं मिले, लिखा है ना। ए जिसके पास 1600 शेयर्स है फेल्ड टू पे अलॉटमेंट अमाउंट, यहां पे ए पिंक से देखो हाईलाइट कर रही हूं, 1600 शेयर्स थे, इसने आबंटन का पैसा नहीं दिया, तो इसने आबंटन पे इसको कितना देना था? 8,000। लेकिन इसने 640 तो एप्लीकेशन के टाइम पे इसका एडजस्ट हो गया था, तो 8,000 में से 640 तो दे ही चुका था, तो बाकी कितना नहीं दिया इसने? 7,360। तो देखो अलॉटमेंट में 7,360 और नहीं मिला, तो 1,84,000 में से 7,360 माइनस हुआ, तो अब कितना बचा? कितना बचा? 176,640 इतना पैसा मिला। अब बताओ आया समझ में? यस मैम। सबको आया समझ में? यस मैम। यस मैम। कोई ऐसा है जिसको नहीं आया है? ऐसे मत करना कि सब हाँ बोल रहे हैं और हमको नहीं समझ में आया और हम बाद में देख लेंगे, ये काम मत करना प्लीज। सबको आ रहा है समझ में तो मतलब सबको, नहीं आ रहा है तो बता सकते हो अभी तुरंत, ठीक है। सेम तो एंट्री में कोई डाउट? नो मैम। ठीक, अब फिफ्थ एंट्री बनाओगे फर्स्ट कॉल की। 4 एंट्रीज हो गई, अब फोर्थ एंट्री उसकी फर्स्ट कॉल की एंट्री बनाएंगे अब। रफ करूं मैं ये, किसी को नोट करना है? मैम कर दीजिए रफ। अब देखो इसके बाद वाला पोर्शन बहुत इजी है, क्योंकि जो बी है उसका तो अलॉटमेंट का ऐसा कोई कंजट ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसने क्या पे नहीं किया? फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल पे नहीं किया है, ठीक है, और उसका जो अमाउंट था अलॉटमेंट का वो तो क्लियर कट आ गया है, तो अब कोई वर्किंग नोट वाला पोर्शन नहीं आएगा। ये वर्किंग नोट वाला जो पोर्शन था ये सिर्फ अलॉटमेंट तक के था, ठीक है। अब इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल की एंट्री बनाओ जल्दी से, ठीक
क्या एंट्री बनाते हैं आप लोग? फिफ्थ एंट्री बनाओ, इक्विटी शेयर, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. ठीक, तो 40,000 शेयर्स का था, कितना है फर्स्ट कॉल पे? 2 रुपए, तो कितना हो गया? 80,000. फिर सिक्स्थ एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट. तो देखो ये ए के पास कितने शेयर्स हैं? 1600. और बी के पास कितने? 2000. आ रहे समझ में? यस मैम. ये क्या हो गया इसको? एक सेकंड ना, एक सेकंड. बी के पास 2000 है ना, फर्स्ट इसने तो पे नहीं किया अलॉटमेंट के बाद, और इसने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल पे नहीं किया. ठीक है, तो एंट्री क्या बनी अपनी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट. 40,000 शेयर्स में थे, ठीक है, तो 1600 और 2000 टोटल कितना हुआ? 3600 इंटू कितना है फर्स्ट कॉल का अमाउंट? 200. करो 3600 इंटू 2, 7200. तो ठीक है, तो हमको 80,000 मिलना था. 80,000 में से 7200 माइनस करो, कितना आएगा? 72,800. 72,800. ठीक है, चलो लिखो उसमें 72,800. बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट. दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? यस. नेक्स्ट एंट्री बनाओ सेम सेकंड कॉल की, जल्दी से बनाओ बेटा. सेम सेकंड कॉल की ड्यू एंट्री क्या बनेगी? इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. सेम 40,000 शेयर्स पे बनेगी, इंटू करेंगे आप लोग, 3 रुपए का था तो सेकेंड कॉल 3 रुपए का, तो 1,20,000 पे. अब जब अमाउंट मिलने का आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट. सेम फिर से देखो, 1600 शेयर्स पे और 2000 शेयर्स पे अमाउंट नहीं मिलेगा. 3600 शेयर्स का कितना नहीं मिलेगा? 3 रुपए के हिसाब से बताओ, 10,800. यही है? आ रहा है सबका 10,800? यस मैम. तो कितना रिसीव हुआ? 1,20,000 में से 10,800 गया, तो 1,09,200. ठीक, यहां तक क्लियर है? कोई डाउट? नो मैम. ठीक है, अब कंपनी क्या कर रही है? शेयर्स को फॉरफीट कर रही है.
देखो क्वेश्चन में दिया था कंपनी सेकेंड कॉल के बाद फोरफीट कर रही है, ठीक है, इसलिए मैंने पूरी सेकेंड कॉल की एंट्री करवाई। अब यहां पे देखो क्वेश्चन पे आओ, अब देखो ये क्वेश्चन था अपना, क्वेश्चन दिख रहा है आप सबको? यस मैम। ठीक है, अब मैं फोरफीट की एंट्री करूंगी, ठीक है। तो फोरफीचर की एंट्री मैंने आप लोगों को कल करवाई थी या लास्ट क्लास में, आपको ये बताया था कि जब प्रीमियम का अमाउंट नहीं मिलता है तब एंट्री अलग होती है, और जब प्रीमियम का अमाउंट रिसीव होता है तो फोरफीचर की एंट्री अलग होती है, याद है मैंने बताया था आप लोगों को, एक क्वेश्चन भी करवाया था आप लोगों को अगर याद होगा तो। यस मैम, है ना। तो अब फोरफीचर की एंट्री करेंगे अपन, दो एंट्रीज होंगी, एक होगी ए के लिए, कितने शेयर्स की, 1600 शेयर्स की, क्योंकि इसने प्रीमियम का अमाउंट पे नहीं किया था, ठीक, तो उसकी एंट्री करेंगे। देखो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, यहां पे और क्या आएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट के बाद एक क्या आएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, याद आया, क्योंकि इसने प्रीमियम का अमाउंट पे नहीं किया था। टू शेयर फोरफीचर अकाउंट, क्योंकि मैंने बोला था आपको कि जो फोरफीचर है वो क्रेडिट होगा हमेशा। टू शेयर इक्विटी शेयर ना, ठीक, और इसने क्या पे नहीं किया था, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट। अब बेटा आप लोग एक बात समझो इस क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन में यहां पे मैंने लिखा था इन अंशों को बाद में हरण कर लिया गया, मतलब द्वितीय याचना के बाद। देखो एक चीज याद रखना आप लोग, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट बता रही हूं, जब भी शेयर्स फोरफीट करता है, ठीक, तो जब फोरफीट करेगा मतलब जब हरण करेगा, तब आपको ध्यान देना है कि उस समय कंपनी ने पूरे पैसे मंगवाए थे कि नहीं। अगर बोलता कि इन अंशों का आवंटन के बाद हरण कर लिया गया था, तो आवंटन तक कितने पैसे मंगवाए गए थे शेयर्स के, देखो एप्लीकेशन के 2 और अलॉटमेंट के 3, यानी 5 रुपए। लेकिन इसमें द्वितीय याचना के बाद हरण कर रहा है, यानी कंपनी ने पूरे के पूरे 10 रुपए क्या किए थे, मंगवाए थे। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितना चलेगा इसमें, शेयर्स कितने थे इसके, 1600 शेयर्स, तो 1600 × 10, और प्रीमियम का कितना मिल रहा है, देखो इसको नहीं मिला है, 1600 × 2 रुपए। फोरफीट कितने करेगी कंपनी इसके, 1600 × 2 कितना हुआ, 1600 × 2 एप्लीकेशन के टाइम पे इसने 3200 दिए होंगे, और इसका मैंने आपको अलॉटमेंट का अमाउंट बताया था कितना था, अलॉटमेंट में इसका एडजस्ट किया था हमने कितने से किया था बताओ मेरे को, 640 था कि 840 था बताओ मेरे को मैम, 640, 640, ठीक है। तो टोटल करो 3840, ये इसका इतना क्या हुआ है, फोरफीट हुआ था, तो शेयर फोरफीचर में गया 3840, लिखते जाओ साथ साथ, है ना। नेक्स्ट देखो, इसका ये था 3200, ये देखो चुपचाप प्रीमियम का लिख लो डायरेक्ट। अब देखो अलॉटमेंट में इसका टोटल बनता कितना था, 1600 शेयर्स के हिसाब से, ये देखो लिखते चलना वर्किंग नोट, ये शेयर्स फॉर फीचर का था, ठीक। अब मैं शेयर अलॉटमेंट का बता रही हूँ, 1600 शेयर्स का, 1600 शेयर्स पे अलॉटमेंट का इसको टोटल कितना देना था, 5, 3 रुपए अलॉटमेंट का, 2 रुपए प्रीमियम का, तो 1600 × 5 कितना हुआ, 8000, कितना हुआ 1600 × 5,
8000 हो रहा है ना, ठीक। 8000 में से इसने कितना पे नहीं किया? 640 तो दे दिया था इसने, तो कितना पे नहीं किया था इसने? 7360। तो यहां पे लिखना अलॉटमेंट में 7360। फर्स्ट कॉल पे कितना पे नहीं किया इसने? फर्स्ट कॉल का लिखेंगे 1600 शेयर्स का 2 रुपए के हिसाब से 3200, और सेकेंड कॉल पे 1600 शेयर्स का कितने रुपए के हिसाब से था? 3 रुपए के हिसाब से कितना हुआ? 4800। और ये ऊपर 1600 × 10 करना 16000। लिखी एंट्री सबने? एंट्री बनाई आप सबने? यस मैम। ठीक है, रफ करूं ये एंट्री। देखो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में आया 16000। देखो याद रखना, हमेशा इक्विटी शेयर कैपिटल में हमेशा आप उतने से ही लिखेंगे कंपनी। याद हमेशा याद रखना कि अंशों का हरण कब हो रहा है। अगर अंशों का हरण द्वितीय याचना के बाद हो रहा है, इट मीन्स कंपनी ने पूरा पैसा मंगवाया है, इसलिए मैं पूरा लिख रही हूँ 10 रुपए का शेयर। प्रीमियम अलग से मेंशन करूंगी मैं। अगर क्वेश्चन में बोलता है ना कि आवंटन के बाद हरण हो रहा है, यानी आवंटन तक कंपनी कितने पैसे मंगवा रही है, देखो 2 रुपए एप्लीकेशन के और अलॉटमेंट के कितने हो गए? 3। प्रीमियम ऐड मत करना कभी भी, तो 2 और 3 कितना होता तब? 5। तो मैं कैपिटल में तब कितना लेती? 5, और प्रीमियम का अलग से लिखती है 2 रुपए। हमेशा याद रखना, ये मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था आप लोगों को। क्लियर हुआ? रफ करूं? यस मैम। अब चलो उसकी एंट्री बनाओ 2000 शेयर्स वाले की। अब 2000 शेयर्स वाले की एंट्री बनाओ बी की, शेयर फॉरफीचर की। अब देखो बी, इसके पास कितने शेयर्स थे? 2000 शेयर्स थे। देखो इसने तो अलॉटमेंट पे किया था, यानी इसका प्रीमियम वाला तो कोई इश्यू नहीं है, तो डायरेक्ट एंट्री बनेगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। क्या पे नहीं किया था इसने? 2 इक्विटी शेयर। अब जो पे नहीं किया है वो लिखेंगे फर्स्ट कॉल अकाउंट, 2 इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट। तो देखो शेयर कैपिटल, शेयर कितने का है? 10 रुपए वाला। प्रीमियम से कोई मतलब नहीं होता है याद रखना। पहले वाले में प्रीमियम इसलिए मेंशन की थी मैं क्योंकि उसने प्रीमियम पे नहीं किया था, इसने प्रीमियम पे किया इसलिए उसकी कोई एंट्री नहीं होगी। शेयर कितने का था? 2000 शेयर के हिसाब से 10 रुपए। देखो कंपनी ने पूरे 10 रुपए कॉल किए थे, इसलिए शेयर फॉरफीट, शेयर फॉरफीचर में कितने जाएंगे? एप्लीकेशन का कितना था? 2 रुपए, और अलॉटमेंट का, ये देखो मैं एंट्री कर रही हूँ शेयर फॉरफीचर की। ये वर्किंग नोट स्टार्ट हो रहा है ना आपका लाइन के बाद से। एप्लीकेशन का 2, अलॉटमेंट का 3। प्रीमियम ऐड नहीं करूंगी क्योंकि इसने प्रीमियम पे कर दिया है, इसलिए फॉरफीचर में अब प्रीमियम की एंट्री नहीं होगी याद रखना। इसके पहले वाले में प्रीमियम की एंट्री इसलिए करवाई थी क्योंकि उसने प्रीमियम पे नहीं किया था। तो देखो एप्लीकेशन पे 2, यहाँ पे देखो है ना, ये एप्लीकेशन का 2, अलॉटमेंट का 5, तो 3 रुपए ही अलॉटमेंट के आएंगे, 2 रुपए तो प्रीमियम का था, वो मेंशन नहीं कर रही हूं मैं। तो 2 और 3 हो गया 5, तो 2000 शेयर्स पे इसने 5 रुपए पे किए थे, 10000 रुपए यानी। तो ये इसका किस में चले जाएगा? शेयर फॉरफीचर में, 2000 × 5।
फर्स्ट कॉल पे इसने कितना पे नहीं किया? 2 रुपए। और सेकेंड कॉल पे इसने कितना पे नहीं किया? 3 रुपए। तो 2000 × 2 = 4000 और 2000 × 3 ये हो गया 6000। तो सेकेंड कॉल में आया 6000, फर्स्ट कॉल में आया 4000 और ये देखो 4 फीट में आया इसका 10000। ठीक। और 2000 × 10 ये हो गया 20000। तो ये पूरा का पूरा टैली हो गया, ये हो गया आपका 10000। कहीं डाउट है एंट्री में? नो मैम। क्लियर है? यस मैम। ठीक, तो ये क्वेश्चन था। ठीक, 15 मिनट्स एक्स्ट्रा लग गया, कोई बात नहीं। कहीं पे डाउट है तो पूछ लो।